होली के मौके पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। अब 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना मात्र है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। ऐसे में कुछ काम को करने से बचना चाहिए। ये ग्रहण कितने बजे लगेगा, भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, सूतक काल का वक्त, सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल दिन सोमवार को लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण 8 अप्रैल की रात 9:12 पर शुरू होगा। 9 अप्रैल को मध्यरात्रि में 2:22 पर इसका समापन होगा। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन चैत्र अमावस्या पड़ती है। इस साल 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या है और 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के वक्त कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। इसके अलावा सूतक काल के दौरान भी हर शुभ काम की मनाही होती है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, अरूबा, बर्मुडा, कैरेबियन, नीदरलैंड, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, जमाइका, नॉर्वे, पनामा, निकारगुआ, रूस, पोर्टोरिको, सेंट मार्टिन, स्पेन, द बहामास, यूनाइटेड किंगडम और वेनेजुएला समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की तरह ही साल के पहले सूर्य ग्रहण को भी भारत में नहीं देखा जा पाएगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण से पहले मार्च में 25 तारीख को साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगा था, जो भारत में दिखाई नहीं दिया था, इसीलिए इसका प्रभाव भी यहाँ मान्य नहीं था। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले इसका सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण लगने के बाद तक रहता है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में देखा नहीं जा पाएगा, इसीलिए यहाँ इस सूतक काल को मान्य नहीं माना जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।